Subscribe to my channel Beauty Secret Reality and press the bell notification button on to get all new updates of my channel. Stay updated, stay beautiful. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. और गाइस, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो रही है. मैंने अपने एसेंशियल हॉल में दिखाया था, विंटर एसेंशियल हॉल में, एवरीयूथ का ये बेस्ट मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन जो कि मेरा आज के बाद फेवरेट होने वाला है. तो मैंने डेफिनेटली इसका एक आज रिव्यू वीडियो बनाया है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं. और आप करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और क्या डिफरेंट वीडियो मेरे चैनल पे चाहिए, सो दैट वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, मेरे लिए भी रहे. तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. आज जिस बॉडी लोशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, सबसे पहली बात ये आपको 24 आवर का मॉइस्चराइजेशन देता है. अभी मेरे हाथ पे ऑलरेडी अप्लाइड है और आपको मैं स्क्रैच करके दिखाती हूँ और इसको अप्लाई करने के बाद मैं आपको स्क्रैच दिखाऊंगी. तो एवरयूथ का ये स्किन एसेंशियल मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है. आप इसका क्लोज व्यू ले लीजिए एक बार. तो ये कहता है एवरयूथ स्किन एक्सफोलिएटिंग मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन और इसमें कोकोआ बटर है, वीट जर्म है और हनी है जो कि तीनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. मैंने जब इस बॉडी लोशन को खरीदा था तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन देगा, क्योंकि मेरा हिमालय कोकोआ बटर हमेशा फेवरेट रहा है. बट ये बहुत रीजनेबल था और मुझे विंटर एसेंशियल 100 रुपीज़ के अंडर करना था तो उसके बेस पर मैंने लिया. इसकी कॉस्ट 99 रुपीज़ है और गाइज ये आपको 200 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. इसकी बॉटल बहुत क्यूट सी गर्ल की फिगर टाइप शेप में है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, आप बॉयज भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. बात करते हैं अगर इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, कोकोआ बटर जितनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्मूथ सी कोकोनट एंड कोकोआ बटर की आपको इसमें स्मेल आ रही है. और बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की तो मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके आपको ये दिखा देती हूँ. देखो ये बहुत जल्दी बहुत आराम से आपके हाथ पे आ जाएगा और मैंने तो थोड़ा सा ही ट्राई किया था बट बहुत ज़्यादा आ गया ये मेरे हाथ में. तो मैं आपको इसको पूरे अपने हैंड पे अप्लाई करा के दिखाऊंगी. मेरे हैंड पे, मेरे हाथ पे वैक्सिंग नहीं हुई है तो सर प्लीज़ इग्नोर दिस. एक तो देखिए बहुत स्मूदन है, बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है आपकी स्किन पे. और अगर हम इसकी बात करें इसकी ब्लेंडिंग की, तो बहुत ईजी ब्लेंडिंग है. लाइक विंटर के जितने भी हैवी मॉइस्चराइजर होते हैं वो हमेशा ब्लेंड बहुत ईजीली नहीं हो पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो हैवी मॉइस्चराइजर हैं, आपको बहुत अच्छा स्टे देंगे, उस वजह से ये नहीं हो पाते हैं. और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी ये सुबह अप्लाई किया है, आप स्क्रैच देख सकते हैं, मेरे हाथ पे कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है और मुझे ऑलमोस्ट ये 9 to 10 hours हो गए हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा से 12 hours होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये मॉर्निंग में 8 or 9 o'clock के करीब अप्लाई किया था. बहुत इजीली ये ग्लाइड होता है, ग्लाइड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ है, बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा है, लगाने के बाद पता भी नहीं चलने वाला कि लगाया. सेंसेशन इसकी ऐसी कोई मिंट वाली नहीं है, बहुत नॉर्मल सी सेंसेशन है. और फ्रेग्रेंस आपका ऐसी है कि लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी पर फ्रेग्रेंस रहने वाली है बहुत देर तक, ऐसा कुछ भी नहीं है. और मैं अभी आपको इसको पूरे अपने हाथ पर अप्लाई करा के दिखाऊंगी. तो देखो मैंने जब थोड़ा सा ही लिया था और मैं अपने पूरे हाथ पर अप्लाई कर रही हूँ तो कितनी ईजिली ये स्मूथली अप्लाई हो रहा है. इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके पूरे हाथ पे अप्लाई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा. और मुझे ऐसा भी फील हुआ था, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, हद से ज़्यादा ड्राई हैं. मैंने अपने हैंड्स को, मतलब विंटर्स में तो मेरे हैंड्स बिल्कुल गए, बिल्कुल मर्दों जैसे लगते हैं. तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा फेयरनेस ये इंक्रीज हुआ है मेरे हाथ पे, इस हाथ के कंपैरिजन बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो गया है. दूसरी बात, ब्लेंड होने के बाद आपको मेरे हाथ में सॉफ्टनेस पता लग रही होगी, ये शाइन आ गई है मेरे हाथ में जो कि ओरिजिनल है. मैं कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, ना ही एवरयूथ वालों को, मेरा पर्सनल रिव्यू है. आप स्क्रैच करके देखोगे आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा. और मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ, मेरा पहले मैंने 8 hours पहले लगाई थी और पूरा दिन मुझे नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी. एक्चुअल में ये 24 hours स्टे है, 24 घंटे, मतलब मुझे इस हाथ में बहुत अच्छा सा कूलिंग सेंसेशन आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा. इसमें मैंने 8 hours पहले अप्लाई किया था. मैं स्क्रैच करके दिखा देती हूँ कि ज्यादा स्क्रैच नहीं पड़ा है मेरे हाथ पे. और एज कम्पेयर टू दिस ये देख लीजिए, इसमें भी मेरे हाथ में कोई स्क्रैच नहीं आया. इसमें भी मैं स्क्रैच कर रही हूँ तो मेरा हाथ स्क्रैच नहीं हो रहा है. मैंने 8 to 9 hours अप्लाई किया था. मैं 24 hours के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन 12 to 14 hours ये डेफिनेटली स्टे करने वाला है आपके हाथ पे, आपकी बॉडी पे. तो गाइज मस्ट
मस्ट बाय है, आई मस्ट से कि 100 रुपीज के अंदर इससे बेस्ट आपको मॉइस्चराइजर नहीं मिलेगा। और गाइज आज की ये वीडियो थी मेरी रिव्यू वीडियो एवरयूथ नेचुरल स्किन के एसेंशियल मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन कोकोआ बटर की। आई होप यू लव दिस वीडियो और कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप अगर न्यू प्रोडक्ट्स ऐसे और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो डेफिनेटली मुझे बताना। तो तब तक के लिए अलविदा, आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को इस मॉइस्चराइजर से अगर कुछ भी फायदा होता है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।